हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम फिर बात करेंगे दो फेमस यूट्यूबर की। ये वैसे तो फेमस हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं, लेकिन जो इनकी पर्सनल लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल ही ये मतलब व्यूज़ के लिए जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल फैमिली होती है ना, उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी कंटेंट बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो इन लोगों के लिए कोई भी रिश्ते नाते, माँ बहन भाई भाभी कुछ मायने रखते हैं, मायने रखते हैं तो सिर्फ मनी, ठीक है। तो ऐसे ही हम आज दो यूट्यूबर्स की बात करते हैं। तो आज की हम ब्लॉग में बात करेंगे एक तो कुलदीप के बारे में, आप जानते होंगे अरमान भाई के जो भाई हैं जिन्हें वो कालू कहते हैं, और नाम है उनका कुलदीप और उनकी वाइफ का नाम है सरोज, और उनकी जो बहन है उनको सब जानते हैं सपना तन्वी, उनकी बेटी का नाम है और उनके चैनल का नाम है सपना तन्वी व्लॉग और कुलदीप सरोज व्लॉग। तो चलिए बात करते हैं आज इन दो यूट्यूबर्स की जो आपस में जिनका ब्लड रिलेशन है, लेकिन ब्लड रिलेशनशिप के बावजूद भी इन लोगों का जो रिश्ता है ना वो बहुत ही फीका है, ठीक है, बिना सिर्फ पैसे का है वो कुछ नहीं, ठीक है। तो हमने एक जो कुलदीप हैं अरमान के भाई, तो उसके उनके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि मेरी बहन का जो कैरेक्टर है वो ढीला है, साफ साफ बोला है कि मेरी बहन का जो कैरेक्टर है वो ढीला है, क्योंकि मेरी बहन रात को मेरी बहन से मिलने गाड़ी में लड़का आता है, आदमी जो भी आता है, और मैं सब सपना उसके साथ बैठकर गाड़ी में चली जाती है बिना किसी को बताए। अरे तुम बड़े भाई हो तो तुमने उस टाइम क्यों नहीं पूछा किसके साथ जा रही है, कौन आया है? अगर नहीं पूछा तो फिर आज सोशल मीडिया पर आकर क्यों उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है? अपनी ही बहन, तेरी बहन है सगी, वो तेरे अंदर एक ही ब्लड है ना, दोनों बहन भाइयों का एक ही ब्लड है, या अलग अलग है सौतेले बहन भाई हो? सौतेले बहन भाई भी इस तरह से धज्जियाँ नहीं उड़ाते सोशल मीडिया पर अपने बहन भाइयों की, और तुम अपनी बहन का कैरेक्टर पर मुझे उठा रहे हो कि तुम्हारी बहन का कैरेक्टर कैसा है, वो रात को लड़कों के साथ गाड़ी में घूमती है बिना तुम लोगों को बताए। तुमने उस टाइम क्यों नहीं पूछा किसके साथ गाड़ी में जा रही है, उस टाइम क्यों नहीं देखा कि कौन है गाड़ी में? तुम चाहे तीन तीन चार चार वाइफ रख लो, तुम्हारे भाई चाहे दो दो घरवाली रख लो, किसी के साथ अफेयर चला लो, कुछ भी कर लो, तो उनका कैरेक्टर मस्त है, लेकिन अगर तुम्हारी बहन तुमने देखा नहीं गाड़ी में कौन है, वो किसके साथ जा रही है, कोई मतलब नहीं, और उसका कैरेक्टर ढीला बता दिया तुम लोगों ने। क्या तुमने देखा था गाड़ी में कौन था? क्या पता, हो सकता है कोई लड़की हो किसी के साथ जा रही हो, हो सकता उसका कोई दोस्त हो, उसका कोई जानने वाला हो, उसका दोस्त का बेटा हो, कुछ भी हो, तुम्हें नहीं पता कौन था गाड़ी में, बस उसका कैरेक्टर ढीला बता दिया। तुम्हारा भाई दो दो वाइफ रख ले, इलीगल वाइफ रख ले, कुछ भी कर ले, उसका कैरेक्टर बड़ा मस्त है ना, इसलिए सिर्फ कंटेंट के लिए, पैसे जाने पैसों के लिए है ना, पैसों के लिए अपनी बहन की इज्जत भी नीलाम कर दोगे यूट्यूब पर। उसके बाद बोलते हैं इनकी बहन की बेटी, इनकी बहन की जो बेटी है सपना की बेटी तन्वी, उसको बोला जाता है कि वो चोर है, मतलब उसको चोर भी बोल दिया और बड़े सफाई से फिर बात भी बदल दी। तो इनका कहना था कि मैं, गोलू और पायल अरमान गए हुए थे दिल्ली गोलू के घर पर, और तन्वी थी घर पर, तो तन्वी ने जैसे एक गंगा जी में किसी को ढूंढने के लिए इधर उधर सब कूदते फिरते हैं ना, ऐसे तन्वी ने पूरा घर की अलमीरा वगैरह सब करोल कर डाल दी, सब देखा खंगाला क्या है क्या नहीं है, जहाँ तक कि पूजा की जो चम्मच रखी थी, पूजा के जो पैसे रखे थे, चांदी के सिक्के रखे थे, वो सब चुरा लिए, और ऊपर से फिर ये भी बोल दिया चुरा ले, चलो कोई बात नहीं, घर की बात है घर पे बात है। अरे जब चुराई लिए, तुम्हें पता है घर की बात है, तो फिर उसका ढिंढोड़ा सोशल मीडिया पर क्यों फोड़ रहे हो? तुम्हारी बहन है ना, वो तुम्हारी बहन की बेटी है, एक तरफ तो तुम कह रहे हो चुरा लिए, चलो कोई बात नहीं, सोशल के घर की बात है, दूसरी बात तुम सोशल मीडिया पर इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हो कि अरे मेरी बहन की जो बेटी है सपना वो चोर है, उसने जब हम घर पर नहीं थे तो हमारे पीछे से हमारी सारी अलमीरा करोल कर डाल दी, उसमें से जितना भी चांदी का सामान था सब चुरा लिया, जहाँ तक कि मंदिर की चम्मच थी चांदी की वो तक नहीं छोड़ी। और एक तरफ बोल रहे चलो कोई बात नहीं, घर की बात तो है, ले लिया तो ले लिया, देखो कितनी सफाई से काम किया इस आदमी ने,
अपनी बहन का कैरेक्टर ढीला और बहन की बेटी चोर, दो बातें हो गई। चलो तीसरी बात उठाते हैं भाई साहब की। इनका कहना है कि जो अरमान ने चैनल डिलीट करा था सपना तन्वी का पहले वाला, तो वो अरमान ने डिलीट नहीं करा था, वो तो सपना ही कह के आई थी पकड़ अपना चैनल, मुझे जरूरत ना है तेरे चैनल की, ठीक है। उसमें अरमान का कोई दोस्त नहीं है, वो तो सपना ही पागल थी, उसने अपना चैनल कहा ले पकड़ मेरा चैनल, मुझे जरूरत ना तेरे चैनल की। उसने तो ईगो के चक्कर में वो चैनल अरमान को दे दिया था। चलो जी, चौथा पॉइंट रखते हैं भाई साहब कि चलो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ दिया है अरमान ने सपना को बच्चे होने पर, चलो बच्चे जो कुछ भी दिया, अगर इतनी खरीदती तो क्यों लेके गई उस सामान को भाई, छोड़ के चली जाती, और जब ले आई तो फिर सोशल मीडिया पे क्यों दिखाया। अरे भाई वाह वाह वाह, तुम तो अपनी बहन का सोशल मीडिया पर कैरेक्टर ढीला भी बता सकते हो। और दूसरी तुम्हारी बहन है, अगर उससे जनता ने पूछ लिया कि तुम्हारे भाई के दो तीन बच्चे हुए हैं तो तुम्हें क्या मिला है वो दिखाओ, तो उसमें इज्जत उतार तुम लोगों की, उसने ये थोड़ा बहुत है तुम्हारे पास, तुम क्या बोल रहे हो। देखो अपनी बहन का कैरेक्टर ढीला बोल रहे हो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर, और अपनी बहन भांजी को चोर बता रहे हो, ठीक है। इसके लिए सरोज ने बताया था 3-4 लाख रुपए कर्जा है, तो वो उतारने के लिए इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। फिर ऊपर से वीडियो भी रिमूव कर दी, लेकिन भाई साहब जितने तुम तेज हो ना, दुनिया भी उससे तेज है, तुम्हारे डिलीट करने से पहले लोगों ने वो वीडियो सेव कर ली थी, और आज हर चैनल पर वायरल है वो वीडियो, जिसमें साफ दिख रहा है कि आज के टाइम में एक बहन अपने भाई पर भी विश्वास नहीं कर सकती। और मुझे लगता है जहाँ तक तुम ये बात बोल रहे हो ना, इसलिए बोल रहे हो क्योंकि जो सपना का हस्बैंड है ना, सपना का जो एक्स हस्बैंड था, वो तुम्हारा साला था, वो तुम्हारी बहन का भाई था, ठीक है। तो तुम उसके लिए अपनी बहन का कैरेक्टर नीचे गिरा रहे हो, देखो अपनी बहन के कैरेक्टर को ढीला बता रहे हो, देखो तुम कैसे आदमी हो। ऊपर से फिर बोलते हो कि लोग हमारे लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं, लोग हमारे लिए ऐसा कमेंट करते हैं, आप भी चाहते हो इन सब आपकी इन सब के वीडियो के बाद लोग कैसा कमेंट करें आपको, लोग कैसी वीडियो बनाएं आपके लिए, आप ही बता दीजिएगा। क्या कोई भाई अपनी बहन की सोशल मीडिया पर इस तरह धज्जा उतारे तो उसके बाद बहन को क्या करना चाहिए और पब्लिक को क्या कमेंट देगी। पब्लिक है ना, सब जानती है क्या सही है क्या गलत है, इससे कुछ नहीं छिपा है। तो ज़्यादा होशियार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको सब पता है कि तुम लोगों की जो फैमिली बॉन्डिंग है वो कितनी अच्छी है। तो आप बताना आपको क्या लगता है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर, मिलते हैं फिर आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।